आजिर विषय अलंकार प्रकरण भाग तीन सर्वजमक बा महाजमक पदर सर्वत्र जमक रहिले सर्वजमक बा महाजमक अलंकार हुए जथा बीराजीवर कनक कदम्ब रुचिरे बीराजीवर कनक कदम्ब रुचिरे वैदेहिक विलासरु आदृत एहि पद्यर उभय पादरे थिबा पदगुडिक समान हेले मध्य अर्थ भिन्न भिन्न। प्रथम पद बीराजी अर्थात देदीप्यमान बर अर्थात उत्तम कनक अर्थात सुना कदम्ब अर्थात समूह रुचिरे अर्थात कांति द्वारा। द्वितीय पद बीराजी अर्थात पक्षी समूह बर कनक अर्थात उत्कृष्ट कनक चंपा कदम्ब अर्थात कदम्ब वृक्ष रुचिरे अर्थात मनोहर एणु यह एक सर्वजमक अलंकार। दुई उदाहरण दुई ओहि मकर तापनाशे शोभा सरस चक्रे ओहि मकर तापनाशे शोभा सरस चक्रे लावण्यवतीरु उद्धृत। प्रथम पद ओहि अर्थात सर्प मकर अर्थात मगर सारक अर्थात चक्र सारक चक्र अर्थात पद्म समूह। द्वितीय पद ओहि मकर सूर्य सारस चक्र अर्थात हंस मंडली एणु यह सर्वजमक अलंकार। विदारण हेले से बळी कुंजरे प्रहारणे करदंती विदारण हेले से बळी कुंजरे प्रहारणे प्रहारण करदंती वैदेहिक विलास। प्रथम पद विदारण अर्थात विदारिबा बा क्षत विक्षत करिबा बळी कुंजर अर्थात बलिष्ठ हस्ती करदंती अर्थात शुंढ ओ दंत। द्वितीय पद विदारण अर्थात विनाश करिबा बळी कुंजर अर्थात बलिष्ठ सेनापति माने कर अर्थ हस्त दंती अर्थ पर्वत मानंकु बरा बराह चतुर्थ उदाहरण बराह बरे प्रकाशमान जे दंतरे बराह बरे प्रकाशमान जे दंतरे वैदेहिक विलासरु उद्धृत। प्रथम पद बराह बरे श्रेष्ठ बराह माने प्रकाशमान अर्थात दीप्तिमान दंतरे अर्थात दांत द्वारा। द्वितीय पद बराह बरे अर्थात बरजुक्त आहवरे भयंकर युद्धरे प्रकाशमान अर्थात प्रकाशित दंतरे अर्थात कुंज मध्यरे श्लेष जेउ स्थलरे गोटिए शब्द थाए मात्र व्यवहृत होइ दुई बा तहिरु अधिक अर्थ प्रकाश करुथाए सेठारे श्लेष अलंकार हुए। जेउ शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करुथाए ताकु श्लेष्ट शब्द कहन्ति। श्लेष अलंकार तीनि प्रकार यथा अभंग सभंग अभंग भंग बा सभंगा भंग बा भंगा भंग। अभंग श्लेष जेउठारे व्यवहृत श्लेष्ट शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाशित शब्द खंडित नहोई एकाधिक अर्थ प्रकाश करे सेठारे अभंग श्लेष हुए यथा विभ्राजित बारिझरी तार तारा भव जही विशेषित ज्योतिर्विद रक्षपति तही वैदेहिक विलासरु उद्धृत। एहि पदरे प्रयुक्त होइतिबा श्लेष्ट पद गुडिकर भिन्न भिन्न अर्थ रामंकर अभिषेक समय और शरतकाल को बुझाऊ। शरतकाल पक्षरे पदगुड़िकर अर्थ विभ्राजित अर्थात प्रकाशित बारिझरी अर्थात जल झरणा तारा भव नक्षत्र मानंकर प्रकाश रक्षपति अर्थात चंद्र ज्योतिर्विद अर्थात उज्जवल। अभिषेक पक्षरे अर्थ बारिझरी अर्थात बारिपूर्ण कुंभ तारा भव अर्थात अंगद नामक कपि विभ्राजित अर्थात सभित रक्षपति अर्थात जाम्बव ज्योतिर्विद अर्थात ज्योतिषी। एठारे श्रेष्ठ पदगुड़िक खंडित नहोई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबारु अभंग श्लेष हेला। विकसित कुमुदाति सुमन रसभे विमल अगस्ति भरद्वाज वाक्य घसे वैदेहिक विलासरु उद्धृत। एठारे कवि रामंकर अभिषेक समयकु शरतकाल सहित तुलना करि श्रेष्ठ पद प्रयोग करिछन्ति। शरतकाल पक्षरे अर्थ विकसित अर्थात प्रस्फुटित कुमुदानी सुमन अर्थात कुमुद कई प्रभृति पुष्प सबु कुमुद अर्थात कई प्रभृति पुष्प सबु रभसे अर्थात बेगरे अगस्ती अर्थात तर्नामक नक्षत्र अर्थात विमल नक्षत्र अगस्ती अर्थात तन्नामक नक्षत्र विमल अर्थात परिष्कार भरद्वाज अर्थात भदभदलिया पक्षी वाक्य घसे अर्थात गान करे। अभिषेक पक्षरे अर्थ प्रथमे थिला शरतकाल पक्षरे अर्थ द्वितीय हेले अभिषेक पक्षरे अर्थ
विकसित अर्थात हृष्ट कुमुद आदि अर्थात कुमुद अंग प्रभृति कपि वीर माने सुमने अर्थात उत्तम मनरे विमन विमल अर्थात निर्मल मनरे अगस्ती और भरद्वाज तन्नामक मुनिद्वय काव्य घोषे वेद गान करे काव्य घोषे अर्थात वेद गान करे प्रियम बदा हसी बोइला नर नरेश की देई सखी आंभर तपस्विनी कन्या तापस निकुंज तसीब अतिथि बर प्रणय बल्लरी उद्धृत एठारे शेष पादरे प्रयुक्त बर शब्द श्रेष्ठ एठारे श्रेष्ठ और स्वामी ए दुई अर्थ को बुझाऊ प्रियम बदा सखी नृपंकु कहिला बन फूल समा दुद्रुत हेब कि प्रमदा रण्य सार पुष्प सबुज ही समावृत प्रणय बल्लरी उद्धृत एठारे प्रमदारण्य श्रेष्ठ पद यह खंडित न होई राजांक अंतपुरस्थ उद्यान एवं स्त्री समाज यही दुईटी अर्थ को बुझाउथिबारु एहा अभंग श्लेष विमोहित एका पात्रवास सुमने विक्लल पिधान पुणी शाखा रंजने विकसित करे खग वार्ता कह मो प्रियार नाश हे उद्वेग वैदेहिश विलासरु उद्धृत एठारे श्रीराम वृक्षमानंकु कहुछंती हे वृक्षगण तुम्हें माने पत्र ओ बास सुबासित सुमन अर्थात फुलरे विमोहित अर्थात हृष्ट अयछ मु एका केवल पत्रवास अर्थात पत्रकुड़िया सुमनरे अर्थात उत्तम मनरे विमोहित अर्थात संतुष्ट अटे तुम्हे विकल पिधान अर्थात परिधान करिअछ बकल विधान अर्थात परिधान करिअछ शाखा मानक द्वारा रंजित सभित होइअछ मु मध्य बकल पिंधि अछि ओ शाखा लक्ष्मण सहायरे रंजित संतुष्ट अटे तुम्भ कररे अर्थात डाळरे खगमान अर्थात पक्षीमाने विलास करती मो कररे अर्थात हस्तरे खगमाने अर्थात बाणमाने विलास करती ए रूप मु तुम्भ मानंकर सुहृद अटे एणु मो प्रियार वार्ता कुह ओ मोर उद्वेग नाश कर सभंग श्लेष जेउठारे क्लिष्ट खंड खंडित होवा द्वारा एकाधिक अर्थ प्रकाशित हुए सेठारे सभंग श्लेष हुए जथा पाणी ग्रहणरु बुझिअछु कालि स्वभावे तुम्हें उदार बाहुल्ये मातर कहुअछु आम्बे मुनि कन्या हे उदार प्रणय बल्लरी उद्धृत एठारे प्रथम पादरे थिबा पाणी ग्रहण शब्द श्लेष्ठ यहार साधारण अर्थ विवाह किंतु एहाकु भांगी पाणी ओ ग्रहण बोली नेले यहार अर्थ हस्तधारण हुए एणु यह सभंग श्लेष किंतु द्वितीय पादरे प्रयुक्त हे उदार शब्द को विश्लेषित कले दुईटी अर्थ प्रकाशित होउछि यथा हे उदार हे महान संबोधन पद निपुनश्च हे उदार दार शब्दर अर्थ स्त्री मुनि कन्या दार हेउ अर्थात स्त्री हेउ ए स्थलरे हे उदार शब्द विश्लेषित हेबा द्वारा दुईटी अर्थ प्रकाश पाउथिबारु यह सभंग श्लेष सखी पचारिला सखी प्रति सखी नंदन नंदन पाइब किस विश्वास भाजन नुहंती जगते नदी नखी नराधीश प्रणय बल्लरी उद्धृत एठारे श्रेष्ठ पद सखी नंदन प्रथम अर्थ सखी प्रति सखी पचारिला ग सखी नंदन इंद्रंक उद्यान किस पाइब द्वितीय अर्थ सखी सखी प्रति पचारिला सखी नंदन शकुंतलार पुत्र किस पाइब यह पदटीर अखंड भाव गोटे अर्थ और खंडित भाव अन्य एक अर्थ प्रकाश पाऊँ एणु यह सभंग श्लेष सभंगा भंग श्लेष जो पद्यरे उभय सभंग और अभंग श्लेष थाए ताकू सभंगा भंग श्लेष कहुए जथा बाबू नाकसिरी दान यज्ञ जसा को बिहार कानन कर आलिंगन को वैदेहिश विलासर उद्धृत एठारे प्रथम पदरे थिबा नाकसिरी दान पद दुईटी श्रेष्ठ पद ए पद दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुछंती नाकसिरी अर्थात स्वर्ग संपद ना नासिकार सौंदर्य दान देवा एवं छेदन करिबा एहि पद दुईटी खंडित न होइ भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करथिबारु एहा अभंग श्लेष एठारे द्वितीय पदरे थिबा बिहर कानन पद दुईटीर अर्थ काननरे बनरे बिहर अर्थात भ्रमण कर किंतु कानन पदटी खंडित हेले बिहर कान अर्थात नकर अर्थात कान को छेदन कर आलिंगन को नकर एहिपरि
ବିଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଅଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ଲିଷ୍ଟ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ଏହା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ, ଏଣୁ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ। ଏହି ପଦ୍ୟର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦଶାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଏହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ଓ କାନନରେ ବିହାର କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ବାବୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦଶାର ନାସିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛେଦନ କର, ଏହାର ନାକକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଦନ କର, ଏହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ। ମନ୍ଦାକ୍ଷରେ କାହା ମୁଖ ତୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ଧି ଆନରେ ତା ପରା ରସିବୁ ଅବା କାହିଁ। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମନ୍ଦାକ୍ଷ ପଦର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯଥା ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୁଚିତ ଅକ୍ଷି। ଶବ୍ଦଟି ଅଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଧି ଆନରେ ପଦର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନରେ, ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ, ତାହା ହେଲା ଧି ଆନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ ଧୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୋଇଅଛି। ଏହିପରି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଳେଷ ହୋଇଅଛି। ବକ୍ରକ୍ତି, ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେବେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ବକ୍ରକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ଶ୍ଳେଷ ବକ୍ରକ୍ତି ଓ କାକୁ ବକ୍ରକ୍ତି। ବକ୍ରକ୍ତିର ଭାଗ ବିଶେଷ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶେଷ ବକ୍ରକ୍ତି ତା'ର ପ୍ରଥମ, ତାହା ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।